तो राजा का कर्तव्य है कि वह शूद्र का धन छीन ले। ये है आर्थिक अन्याय, राजनैतिक अन्याय और सामाजिक अन्याय। और ऐसा ना हो जाए कि ये दलित और बामन एक बराबर मान लिए जाएं, कि मेहनत करने वाला नीच, आराम से बैठने वाला ऊंच, कि शूद्रों और मलेच्छों से हिंदू धर्म को मिलने वाली चुनौती का सामना करने के लिए हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया है। तो मंदिर बना पोते के टाइम में और तोड़ गया उसका दादा, तरह हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया, वही दलित भी है। तो इस शिक्षा से दलित, ओबीसी, आदिवासी ये बाहर हो जाए। बलात्कार एक वॉर टूल है, महिलाओं से बलात्कार करते हैं सैनिक ताकि सामने वाले सेना का और समुदाय का मनोबल टूट जाए। अजीत डोभाल की मीटिंग के बाद 40 महिलाओं से एक गांव में बलात्कार किया सुरक्षा बलों ने, उनके स्तन निचोड़ कर देखे सिपाहियों ने कि तुम शादीशुदा हो कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रही हो। छत्तीसगढ़ की जेलों में आदिवासी हर महीने बड़ी तादाद में मरते हैं, 1,10,00,000 लोग बिना लड़े मर गए। क्या भारत बिना लड़े मर जाएगा? इसमें आदिवासी को बाहर कर दिया जाएगा, उसके जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा और उनको पूंजीपतियों को सौंप दिया जाएगा। ये जो शहरों में मजदूर घूमते हैं, जो मकान बनाते हैं, 2 साल झुग्गी बना के मकान बनाया, मकान बनते ही लठ मार के भगा दिया जाता है उनको, दूसरे शहर में जाके मकान बनाने लगते हैं, वहां झुग्गी बना के रहने लगते हैं, उन पे निया कागजात, उन्हें डाल दिया जाएगा डिटेंशन सेंटरों में और इन सबको मौत दी जाएगी, खाना नहीं दिया जाएगा। मैं ये कल्पना की बात नहीं कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की जेलों में आदिवासी हर महीने बड़ी तादाद में मरते हैं, कहा जाता है एनीमिक हो गए, खून नहीं है इनमें, दरअसल उन्हें खाना नहीं दिया जाता, वो भूख से मर जाते हैं। आपको डिटेंशन सेंटरों में डाल के भूख से मार दिया जाएगा और ये करोड़ों लोग हमारे सामने हमारे टैक्स के पैसे से बनाए गए डिटेंशन सेंटरों में मारे जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या भारत, जर्मनी में जब ये जनसंहार हो रहा था, लोग जूते उतारते थे, गैस चैंबरों के अंदर जाते थे और गैस छोड़ दी जाती थी, वो मर जाते थे, 1,10,00,000 लोग बिना लड़े मर गए, क्या भारत बिना लड़े मर जाएगा? क्या हम करोड़ों लोगों को मरते हुए देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे, इन्हें नहीं रोकेंगे? मैंने फैसला किया है मैं लड़ूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं पत्थर नहीं चलाऊंगा, मेरे पास मेरा शरीर है, मैं शरीर का इस्तेमाल करूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं कहूंगा मैं कागज नहीं दिखाऊंगा। मेरे मुस्लिम भाइयों को तुम डिटेंशन सेंटर में डालना चाहते हो, मुझे भी डालो, मैं उनके साथ मरूंगा। और जब करोड़ों लोग खड़े होंगे तो इनकी संभावना है कि हम इन्हें हरा दें। आज 3 करोड़ लोग सड़कों पर हैं, 1 करोड़ मुसलमान है तो 2 करोड़ हिंदू भी हैं, हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहे हैं, यह अभूतपूर्व है, यही हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें दुश्मन के तौर तरीके, उसका मकसद सबको पहचानने की जरूरत है और नए नए तरीके प्रतिरोध के, आंदोलन को कैसे लंबा टिकाना है, लड़ाई को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है और जीत हासिल करनी है, हमें हारना नहीं है, जीत हासिल करनी है। दुश्मन की ताकत को ज्यादा ना समझ के, खुद को कमजोर ना समझ के, खुद को मजबूत समझ करके पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ना है ताकि हम उन्हें हरा सकें, एक फैसला कुल लड़ाई हो सके जिसमें फैसला हमारे हक में आए, उस लड़ाई की जरूरत है। तो हम सब मिलकर लड़ेंगे,
ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम मिट जाएंगे। भारत का पूरा अस्तित्व संकट में है। भारत जिस कल्पना का नाम था, आजादी के वक्त यह सोचा गया था कि यूरोप में तो एक भाषा का एक देश होता है, भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, एक साथ रह सकती हैं। भारत में सैकड़ों पंथ मत मतांतर, हजारों मत मतांतर हैं, सब एक साथ रह सकते हैं। भारत दुनिया को दिखाएगा कि कैसे डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो सकती है, कैसे अनेकता में एकता हो सकती है, कैसे गुलदस्ता अलग अलग रंगों के फूलों का बन सकता है। भारत दुनिया को वो संदेश देगा। ये उस भारत की हत्या करने वाले लोग आ गए हैं। इन हत्यारों से, जो भारत की हत्या करना चाहते हैं, इनसे लड़ने का वक्त आ गया है। और मैं नहीं कहता कि सिर्फ नौजवान लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। नौजवानों के साथ हम भी जाएंगे मोर्चे पर, हम भी सामने खड़े होंगे, और जो लड़ाई है, जो अंजाम होगा, उसे हम अपने सीने पर झेलेंगे। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आपको अपना एक फैमिली फोटो दिखाना चाहता हूं और फिर अपनी बात खत्म करूंगा। ये मेरी फैमिली का फोटो है। अभी मैं गया था गुजरात। इस फोटो में ये मैं बैठा हूँ। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मेरी भतीजी बैठी है, ये ब्राह्मण है। ये जो मेरे बराबर में बैठा है, ये मेरा सगा भांजा है, ये मुसलमान है। मेरी छोटी बहन की शादी मुस्लिम लड़के से हुई। ये जो बैठी है, ये मेरी पुत्रवधु है, ये ईसाई है। ये जो बैठा है, ये मेरा भांजा है, ये आदिवासी है, कबीरपंथी है। और उसकी गोद में जो बैठा है, वो मेरी भांजी का बेटा है, उसका पति सिख है, तो ये बच्चा सिख है। ये मेरा नाती है, मेरा नाती सिख है, भांजा कबीरपंथी है, आदिवासी है, मेरी बहू ईसाई है, मेरा भांजा मुसलमान है, और ये सचमुच का परिवार है। हम एक टेबल पर खाना खाते हैं। मेरे मझले बहनोई कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। जब वो नहाकर निकलते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हुए निकलते हैं। मेरे छोटे बहनोई दूसरे कमरे में नमाज पढ़ रहे होते हैं। सारे मजहब एक ही घर में रहते हैं। हम सचमुच के एक परिवार के लोग हैं। ये कोई राजनैतिक नारा नहीं है, यह हिंदुस्तान है, यही भारत है। इस पर हमला है तो मुझसे मेरे एक दोस्त ने कहा, ये फोटो देखकर, कि आप सब तो बच जाओगे, आपका ये मुस्लिम भांजा मारा जाएगा। तो मेरे लिए तो ये लड़ाई अपनी लड़ाई है। मैं कैसे किसी मुसलमान को मरने दूंगा? वो तो मेरे परिवार के सदस्य हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। और पूरे भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सबके परिवार के सदस्य हैं। तो ये हम अच्छे से समझें, इसको दिल के भीतर उतार लें। और अब हमारा जो सारा प्रयत्न है, इस भारत को बचाने का, अपने देश के लोगों को बचाने का, उनकी जिंदगी, उनके जिंदगी के सारे मुद्दे, उन पर लड़ने का वक्त है। यही मुझे आपसे अर्ज करना था। आपने मुझे शांति से सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।